अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपनी चैनल पे वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूं कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। और इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नात के किसे कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की पहली स्टोरी शेयर की है हमेशा सिंड्रेला ने। सिंड्रेला बताती हैं कि आज वो आपके साथ अपने चचा की ज़िंदगी का एक सच्चा खौफनाक वाकया शेयर करना चाहती हैं। सिंड्रेला के 6 चचा हैं, जिनमें से छठे उनके चचा हैं, सॉरी उनके वाले साहब हैं जो सबसे छोटे हैं। और ये जो स्टोरी है वो उनके बड़े यानी कि उनके अब्बू से जो बड़े हैं उनकी ये कहानी है जो वो मेरे साथ शेयर कर रही हैं। लिस्टनर, तो सिंड्रेला बताती हैं उनके जो चचा हैं वो गांव में रहते हैं और सिंड्रेला लोग इधर कराची में रहते हैं, और जो उनके चचा हैं वो सिंध वाली साइड पे एक गांव है उस साइड पे रहते हैं। तो उनके चचा चूँकि गांव में रहते हैं, इसकी वजह से वो बकरियों को चराते हैं और उनका यही काम है। एक दिन सिंड्रेला बताती हैं कि मेरे जो चचा थे, ये 2015 की बात है, वो अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ी वाली साइड पे चराने के लिए लेकर जा रहे थे। चराते चराते उनको शाम हो गई। जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे आ रहे थे तो नीचे के रास्ते से एकदम उनको ऐसे लगा, उनको कोई ठोकर लगी, लेकिन उनको ठोकर इतनी ज़ोर की लगी कि वो थोड़ा सा आगे जाकर गिर गए। उन्होंने पीछे से पलट के देखा तो रास्ते में ना कोई पत्थर था, ना ही कोई ऐसा स्टेप था कि जिससे उनको ठोकर लगती, लेकिन उनको ये ज़रूर महसूस हुआ कि उनके पाँव किसी बहुत सख्त चीज़ के साथ लगे, और उसके बाद उनके पाँव में शदीद पेन शुरू हो गई। खैर, वो घर चले गए। वो घर गए तो रात के टाइम उनको बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई। उन्होंने कोई पेन किलर ली और पेन किलर लेने के बाद 2-3 दिन उनकी टांग की दर्द में अफाका रहा। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद उनको फिर दोबारा दर्द शुरू हो गई। वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सारा चेक किया, लेकिन बज़ाहिर पाँव को कुछ भी नहीं था। डॉक्टर्स ने भी उनको पेन किलर्स वगैरह दी कि आप ये खाएं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन उनकी जो पाँव की पेन थी वो मेडिसिन लेते थे ठीक हो जाती थी, फिर होने लग जाती थी। खैर, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस नहीं किया और वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए। लेकिन ये जो दर्द थी उनके पाँव की, ये उनकी जान नहीं छोड़ती थी और ये रहती थी उनको। तो एक दिन चाचा के कोई फ्रेंड थे, वो उनके पास आए, तो वो आमिल भी थे, अमल वगैरह भी करते थे। उन्होंने जब चाचा को देखा, उन्होंने कहा कि मुझे आपके पाँव के साथ कोई ठीक मसला नहीं लगता, यानी कि आपके पाँव के साथ कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, यानी कि कोई जन्नात का चक्कर है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे जन्नात वगैरह को नहीं मानता, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है मेरे पाँव के साथ, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। जिस पे उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि जब तुम उस पहाड़ी से आ रहे थे तो उस पहाड़ी पे ज़रूर कोई जन्नात वगैरह थे। तुम रुको, आज रात मैं इस सब चीज़ों का पता लगाता हूँ। लेकिन मेरे जो चचा थे वो मानते नहीं थे, लेकिन जो मेरे सबसे बड़े चचा थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम इस चीज़ का पता लगाओ, क्योंकि इसकी तबीयत, इसकी पाँव की दर्द दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती, किसी भी मेडिसिन से अब आराम भी नहीं आता। उन्होंने सारा कुछ चेक किया। सारा कुछ चेक करने के बाद उन्होंने ये बताया सुबह उठ के कि तुम जब पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो उस टाइम तुम्हारे पाँव के नीचे जिन्नात का बच्चा था और वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे बेहतर है कि तुम अपना कोई इलाज करवाओ, रूहानी इलाज करवाओ, ये डॉक्टरी इलाज नहीं है। अगर तुम रूहानी इलाज करवाओगे तो तुम बच जाओगे,
लेकिन सिंड्रेला के जो चचा थे वो ये कहते थे कि मैं जन्नात पे यकीन नहीं करता, ये सब कुछ झूठ है और मुझे छोड़ो, मैं बाहर अपने काम के लिए जा रहा हूँ। मेरे जो चचा वो उनको अपना हाथ छुड़वा कर, दम को बीच में ही छोड़कर वो चले गए, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानते थे। लेकिन जो दर्द थी वो दिन ब दिन इतनी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी कि वो इस दर्द से लागर हो चुके थे। बिलाखिर 2015 की इस बात को 2018 के साल में चचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको उस दर्द ने इतना उनका बुरा हाल कर दिया कि वो डॉक्टर उनको फिर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया कराची में। जब उनको कराची में ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उनको चेक किया और डॉक्टर्स ने कहा कि ये पाँव काटना पड़ेगा, ये पाँव अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है पाँव, बिल्कुल सिंड्रेला बताती है उनका पाँव ब्लैक हो चुका था। फिर उसके बाद सिंड्रेला कहती हैं कि जो उनके चचा थे वो कहते थे कि मैंने पाँव नहीं कटवाना, ये भी सब झूठ है, मेरा पाँव उनका पाँव ठीक हो जाएगा। तो जो सिंड्रेला के अब्बू थे उन्होंने उनको समझाया कि आप प्लीज़ पाँव कटवा दें, अगर पाँव नहीं कटवाएंगे तो उनकी सारी टांग काटनी पड़ेंगी। बिलाखिर वो बड़ी मुश्किल से इस बात पर आए और उनका पाँव कट गया। जैसे उनका पाँव कटा वो घर आए। उस रात जब चचा घर आए तो चचा ने हम सबको कॉल की और कॉल करके हम सब से बात की, क्योंकि हम लोग शहर में रहते थे और चचा थे वो गाँव में रहते थे। वेरी नेक्स्ट डे चचा खुले आसमान के नीचे लेटे हुए थे, वो बहुत परेशान रहते थे और यही कहते थे कि काश मैं किसी की बात मान लेता। तो उसी रात इतनी शदीद बारिश हुई और उस बारिश में बकायदा चीखों की आवाज़ें थीं। जो मेरे दूसरे चचा उनके साथ बैठे थे उन्होंने बकायदा, चचा ने उनको कहा कि मुझे चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ऊँची ऊँची चीखों की। तो उनको ये महसूस हो रहा, तो उसके बाद वो कहते थे कि चीखों की इतनी शदीद आवाज़ें थीं उन जब वो बारिश के कतरे चचा के जिस्म के ऊपर गिरे, तो उसके बाद उनको अंदर उठाकर लाया गया और उन चीखों की आवाज़ों में न जाने क्या चीज़ थी और चचा की 2018 में डेथ हो गई। तो सिंड्रेला कहती हैं कि उनके ऊपर बकायदा जन्नात का असर हो चुका था उस टाइम जब वो पहाड़ी पर उनको वो ठोकर लगी थी, तो जन्नात का बच्चा उनके कदमों के नीचे आकर मर गया था। तो उन्होंने कहा था कि हम भी इसको जान से मार देंगे। जन्नात ने अपना इंतकाम ले लिया और इस तरह सिंड्रेला के चचा की डेथ हो गई। अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात को बुलंद करे और उनको लंबी ज़िंदगी से उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन जी, हम लोगों की दुआ है। तो ये स्टोरी थी सिंड्रेला की। लिसनर्स, आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और थैंक यू सिंड्रेला अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शेयर की है मेसर शहाब अलवी ने। शहाब अलवी कहते हैं कि मैं पहले भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर चुका हूँ और आज मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 साल पहले हम लोग रात को सो रहे थे, तो जो मेरी छोटी सिस्टर है, गर्मियों का मौसम था, रूम में एसी चल रहा था, हम सब लोग इकट्ठे एक ही रूम में सोते थे। तो मेरी सिस्टर किसी काम के सिलसिले से रूम से बाहर किचन से कुछ लेने के लिए गई, तो उनको यूँ महसूस हुआ जैसे किचन में कोई बहुत बड़ा स्नेक है। हम बहुत ज़्यादा डर गए, तो मेरी सिस्टर डरते हुए अंदर आई, उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि इधर बहुत बड़ा कोई स्नेक है हम लोगों के किचन में। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैंने अपनी बहन को कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों के घर की बैक साइड पे एक बहुत बड़ा वीरान प्लॉट है जिसके बीच में बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। लेकिन हमें उस घर में रहते हुए 4 से 5 साल गुजर गए थे, तो हम हैरान थे कि इधर से आज तक स्नेक नहीं आया, इसको ये वहम हो रहा है। खैर, मेरी सिस्टर अंदर रूम में आई, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया और हम लोग सो गए। लेकिन जो रूम के नीचे वाली जगह बनी होती है, अचानक से उनकी जो मदर थी उनको ये महसूस हुआ कि रूम में कोई और चीज़ है जो कि इंसान के अलावा है। उन्होंने फ़ौरन लाइट चलाई तो उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड के बेड के नीचे बहुत बड़ा काला कोबरा स्नेक था। वो बड़ी हैरान हुई कि ये कोबरा स्नेक आखिर आया कहाँ से है, ये मतलब आज तक उन्होंने देखा। तो उन्होंने उसको वो मारने लगी। तो जो शहाब कहते हैं उनके फादर, उन्होंने कहा कि मारना नहीं है इसको, हो सकता है ये कुछ जिन हो। तो वो गए और उन्होंने एक दूध का कटोरा भरा और दूध के कटोरे को लाकर सांप के पास रख दिया और कहा कि अगर तुम नेक जिन हो तो इस दूध को पी लो। उन्होंने 3 दफ़ा ये लफ्ज़ बोला तो वो नेक जिन था और उसने वो दूध पी लिया। और उसके बाद शहाब कहते हैं कि उनके अब्बू ने कहा कि अगर अब तुम जिन हो तो यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने जब ये लफ्ज़ बोला तो वो सांप बकायदा हमारी आंखों के सामने से वहाँ से चला गया। लेकिन वो जो सारी रात थी वो बहुत डरावनी और खौफनाक रात थी, यूँ लगता था कि अभी स्नेक आ जाएगा कहीं से।
क्योंकि सांप का एक बड़ा डर होता है, एक बड़ी दहशत होती है क्योंकि हम लोगों ने, मेरे अबू बेड पे सोते थे, हम लोग नीचे बिस्तर लगा कर सोया करते थे। वो सारी रात बहुत तकलीफ़ में और खौफ में गुजरी। फिर कुछ अरसा गुजरा और कुछ अरसे के बाद हमने क्या देखा कि हमारी छत पे वही स्नेक दोबारा आया था। हम लोग बहुत डर गए, लेकिन मेरे अबू ने कहा कि इसको मारना नहीं है। मेरे अबू ने उसको फिर एक दूध का कटोरा भर के दिया और उन्होंने उस दूध के कटोरे को स्नेक ने पी लिया। पीने के बाद मेरे अबू का कोई बहुत बड़ा मसला बना हुआ था, मतलब कि हम लोगों की कुछ जायदाद का मसला था। तो 2-3 दिन के बाद वो जो हम लोगों का केस था वो अल्लाह के हुक्म से सॉल्व हो गया। हम लोग बहुत हैरान हुए कि इतने अरसे से ये मसला चल रहा था लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से ये सॉल्व हो गया। लेकिन 2-3 दफ़ा वो स्नेक हमारे घर आया। हम लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, हमने उसको मारा नहीं, हम लोग बहुत डरे हुए थे। लेकिन मेरे अबू जब भी उसको दूध पिलाते थे वो चला जाता था। लेकिन फिर उसके बाद वो हम लोगों ने घर छोड़ दिया, उसके बाद हमने उस स्नेक को नहीं देखा, क्योंकि वो उसी घर की कोई मखलूक थी। वो नेक जिन थे, वो इबादत गुजार जिन थे, जिनको हमने अल्लाह के फ़ज़ल से मारा नहीं, अल्लाह ने हमसे गुनाह होते होते बचा लिया हमें। अगर हम उन्हें मार देते तो पता नहीं वो हमें कितना नुकसान देते, क्योंकि वो जिन थे। क्योंकि जब भी उनको ये लफ्ज़ बोला गया था कि अगर आप जिन हैं तो आप ये दूध पी कर चले जाएँ, तो वो अल्लाह के हुक्म से चले गए। क्योंकि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जन्नात स्नेक के रूप में तो होते ही हैं, इसलिए इनको मारने से पहले 3 दफ़ा इनसे पूछ लो, तो उसके बाद इनको मारो, उससे पहले इनको मारने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि नेक जिन्नात अक्सर स्नेक के रूप में रहते हैं। तो फिर उसके बाद जब ये घर छोड़ दिया तो वो कभी भी हमें उसके बाद नज़र नहीं आए। लेकिन 1-2 दफ़ा शहाब कहते हैं कि उनके वालिद के ख्वाब में वो चीज़ आती रही, यानी कि वही स्नेक। तो फिर उन्होंने ख्वाब में आकर मेरे अब्बू को बताया कि वो एक जिन थे और वो उस घर की मखलूक थी जो कि स्नेक के रूप में उनके सामने आई थी, वो मुसलमान जिन थे। तो उन्होंने उनके लिए दुआ भी की, यानी मेरे अबू के लिए दुआ भी की, उनका जो मसला था, क्योंकि हमने उनको मारा नहीं था और मेरे अबू ने ही रोका था उनको मारने से, इसलिए उन्होंने मेरे अबू की बात को माना और वो चले गए और उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं दिया। तो ये कहानी थी शहाब की। बहुत शुक्रिया शहाब अलवी अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। तो लिसनर्स, ये कहानी शेयर की है मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर आसिफ ने। आसिफ चूँकि वो भी कराची से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये जो स्टोरी शेयर की है, ये वो कहते हैं कि हम लोगों के घर से काफ़ी दूर एक स्कूल है, तो हम सारे जो फ्रेंड्स हैं हम लोग उधर जाकर स्कूल में बैठा करते हैं। और जो स्कूल में टीचर्स हैं वो भी अक्सर रात के टाइम स्पेंड करने के लिए स्कूल उधर आकर बैठा करते हैं। तो जो उस स्कूल का चौकीदार है वो हम लोगों का फ्रेंड है, हम सब लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, बातें करते हैं। तो रात को उसको अक्सर हम कहते हैं कि जाओ हमारे लिए चाय बना कर लाओ। वो चौकीदार हमसे बहुत बातें करता है, हमें वाकयात बताता है। उस चौकीदार ने हमें एक दफ़ा एक बड़ा खौफनाक अपनी ज़िंदगी का वाकया बताया, जिस पे वो क्या बताता है कि ये सर्दियों की बात है, आज से 6-7 साल पहले। उन्होंने बताया कि मेरे पास स्कूल के कुछ टीचर्स आके रात के टाइम बैठे, हम सब बातें कर रहे थे, तो टीचर्स ने मुझे कहा कि जाओ हमारे लिए चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने के लिए चला गया, तो मुझे चाय बनाते हुए थोड़ी मैं लेट हो गया, तो अचानक से मुझे अपने करीब गुलाब के फूलों की बहुत तेज़ खुशबू महकती हुई महसूस हुई, बहुत तेज़। इतने में एक टीचर जो पीछे से आए और उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गई है, आप चाय बनाने गए हैं, आप अभी तक चाय बना कर नहीं आए। तो मैं 9 बजे चाय बनाने के लिए गया, मुझे चाय बनाते बनाते 11 बज गए। 11 बजे मैं चाय बनाकर उनके पास लाया, सबने चाय पी। मैं जब चाय के बर्तन रखने के लिए दोबारा किचन में गया तो बहुत ज़्यादा खुशबू महकी हुई थी गुलाब के फूलों की। मैं ये नहीं जानता कि बाकी लोगों ने गुलाब के उन फूलों की खुशबू को महसूस किया है कि नहीं, लेकिन मैंने उन गुलाब के फूलों की खुशबू वाजिया महसूस की। 12:30 बजे के करीब वो जो सब लोग मेरे पास बैठे हुए थे वो उठकर अपने घर को चले गए और मैं आकर अपने रूम में सो गया। अभी मैं अपने रूम में सोया ही था तो अचानक से मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही है। मैंने इधर उधर देखा लेकिन सामने कोई बच्चा नहीं था, दूर दूर तक बच्चे का नामो निशान नहीं था, बच्चे कहाँ आने थे आधी रात के टाइम। तो मैंने मुंह पे कपड़ा किया और मैं फिर सो गया। तो फिर मुझे वाजिया बच्चों की बहुत ज़्यादा
तो मुझे महसूस हुआ कि अब बच्चों की बहुत ऊंची आवाज़ में कहकों की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही मैंने अपने मुंह से कपड़ा हटाया तो मैं क्या देखता हूँ कि दीवार के ऊपर बहुत ढेर सारे बड़े बड़े हाथ हैं। जैसे मैंने उन हाथों को देखा तो मैंने अपने मुँह के ऊपर कपड़ा कर लिया। तो कुछ देर के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि कोई मेरी चादर को खींच रहा है। उन्होंने मेरी चादर को खींचा तो मैं क्या देखता हूँ कि ढेर सारे बच्चे मेरे इर्द गिर्द हैं। मैंने जब उस मंज़र को देखा तो मैं बिल्कुल साकित हो चुका था। मैं हिलने के काबिल नहीं था। मैं जो अपनी आंखों से मंज़र देख रहा था कि दीवार के बीच में से बच्चे निकले हैं और वो बच्चे बिल्कुल अब मेरे करीब आ चुके हैं। कोई बच्चा मुझे पीछे से आकर थप्पड़ मार देता है और मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, यानी कि मैं उस रूम से बाहर नहीं जा पा रहा था और अपनी आंखों से ये सारा माजरा देख रहा था। और यूं फिर कोई बच्चा आकर मेरी पीछे से कमीज़ को छेड़ देता था, फिर बच्चे आकर मेरे कंधे पे बैठ रहे थे और मैं ये समझ रहा था कि जैसे ये मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे जो मेरी जान है वो हल्क तक आ चुकी है। तो अचानक से उसके बाद जो माजरा हुआ वो बहुत हैरान कन था। वो इस तरह हुआ कि दीवार के अंदर से एक बहुत नूरानी चेहरे की औरत बाहर निकली और वो जो औरत थी उसने वो औरत मेरे साथ हम कलाम हुई और कहने लगी कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं, तो ये आपको तंग कर रहे हैं, इनकी आदत है शरारतें करने की। आपसे पहले जो भी चौकीदार इधर आकर रुके हैं वो उधर ठहर नहीं पाए क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शरारतें करते हैं, वो सबके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो चौकीदार अपने जॉब को छोड़ जाते हैं। हमने आपको आप में कोई ख़ास बात है जिसकी वजह से हम आपको ये तकलीफ़ नहीं देना चाहते। उस चौकीदार ने बताया, मैं बिल्कुल साकित था और मैं ये सब कुछ देख रहा था, वो किसी ख्वाब से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इसलिए तकलीफ़ नहीं दे सकते क्योंकि तुम एक नेक शख्स हो, इबादत गुजार हो, 5 टाइम नमाज पढ़ते हो और सुबह कुरान पाक पढ़ते हो, और हम भी मुसलमान हैं और हम इबादत गुजार हैं, इसलिए हम तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहते क्योंकि तुम एक नेक शख्स हो। आज से मैं अपने बच्चों को मना करूँगी कि वो तुम्हें तंग नहीं करेंगे और वो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। दूसरी बात, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जिस टाइम तुम किचन में चाय बना रहे थे उस टाइम मैं बिल्कुल तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद थी, मैं तुम्हें देख रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आई। ये बच्चे हैं इसलिए ये तुम्हें तंग करते रहे हैं। मैं ये सब कुछ जो देख रहा था अपनी आंखों से, मेरी आंखों के सामने से वो औरत उन बच्चों को ले जाकर उसी दीवार के अंदर गायब हो गई। ये सारा माजरा इतना खौफनाक और दहशतनाक था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वहीं चारपाई पे गिरा और बेहोश हो गया। छुट्टियों के दिन थे, सुबह कहीं मेरी आँख खुली तो टाइम दोपहर के 12 बज रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं उठ के जल्दी से बाहर गया और उसके बाद मैंने प्रिंसिपल को ये बात नहीं बताई क्योंकि मैंने ये देखा कि उन चीज़ों ने मुझे नुकसान नहीं दिया। फिर ये मामूल बन गया, जब मैं सोता था तो वो बच्चे अक्सर मेरे इर्द गिर्द आ जाते थे और खेलते रहते थे सारी रात, बाहर भी खेलते थे। लेकिन फिर उसके बाद 1-2 दिन वो मेरे रूम में खेले, उसके बाद वो बाहर स्कूल के यानी कि सहन में खेलते रहते थे सारी रात। स्कूल के सहन से अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती थीं। मैं जानता था कि वही जन्नत है। वो जो औरत थी वो दोबारा एक दिन मेरे सामने आई रात के टाइम और मुझे ये कहने लगी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूँगी, तुम बेशक इधर रह सकते हो। मैं उधर ही अभी भी, मतलब कि आसिफ कहते हैं वो उसी स्कूल में जॉब करते हैं और चौकीदार हैं, और वो औरत अक्सर उनके सामने आती है। वो बच्चे भी रात के टाइम बाहर खेलते हैं, लेकिन अब वो जो हमारा फ्रेंड है चौकीदार, उसको आदत हो चुकी है, वो उनको देखता रहता है, वो उनसे डरता नहीं है। अब ये फ़र्क आ गया कि वो उनसे डरता नहीं है, और वो जो औरत है वो अक्सर उनको नज़र आती है। वो बहुत खूबसूरत एक नूरानी चेहरे की औरत है। ये कहानी थी आसिफ़ की जो उन्होंने कराची सिंध से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आसिफ़ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की चौथी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर किया उम्मे कुलसूम ने। उम्मे कुलसूम कहती हैं कि जो हम लोगों का घर है वो मुकाम हयात वाली साइड पर है, और मुकाम हयात में एक बड़ी मेन नहर है जो कि वही नहर जाती है अजीज़ भट्टी टाउन वाली साइड पे। वो नहर टू मच हॉन्टेड है। सब सरगोदे के लोग जानते हैं कि उस नहर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। तो जो मेरे भाई थे बड़े, वो एक दिन दोपहर के टाइम से नहर वाली साइड से आ रहे थे, तो अचानक से उनको यूँ महसूस हुआ जैसे उनके पीछे कोई आ रहा है।
उन्होंने पीछे से पलट के देखा तो पीछे एक ज़ईफ़ सा शख्स था, काफ़ी ज़ईफ़ सा, तो उन्होंने हाथ में वो लाठी पकड़ी थी और वो लाठी चल के लाठी को पकड़ के आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप इतने, मेरे भाई पीछे पलटे और उन्होंने कहा कि आप इतने बुज़ुर्ग हैं और इतनी गर्मी में, इतनी धूप में आप इस टाइम बाहर निकले हैं, आप मुझे बताएं, मैं आपको घर छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरे भाई मोटरसाइकिल पर थे और वो ऐसा ऐसा मोटरसाइकिल चला रहे थे, नहर को देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊँगा। तो मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, उनकी नेचर बहुत काइंड है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे बताएं, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। वो जो बुज़ुर्ग शख्स थे वो मेरे भाई के साथ उनके मोटरसाइकिल पर बैठ के, उन्होंने कहा कि आपने किधर जाना है। तो उन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस बताया, मैं उस एड्रेस पे ले गया। जिस एड्रेस पे मैं उधर पहुंचा, उस एड्रेस पे आगे बिल्कुल सुनसान जगह थी और इतने दरख्त थे नहर पे कि बिल्कुल सुनसुनाहट थी, खौफ सदा मैं हो गया। मैंने कहा कि इधर तो कोई घर नहीं है, आपने मुझे कहा था कि मेरा घर इधर है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम मुझे इधर ही उतार दो और मुझसे मत पूछो कि मेरा घर किधर है, और बेहतर है कि तुम अब इससे आगे मत जाना, पीछे की तरफ जाओ। मैं कुछ समझ चुका था, मैंने अपने मोटरसाइकिल को पीछे की तरफ किया और उन्होंने कहा कि तुमने पीछे से पलट के नहीं देखना। मेरे भाई ने पीछे से पलट के नहीं देखा, लेकिन मेरे भाई को पीछे से ये आवाज़ आ रही थी कि तुमने मेरे साथ अच्छाई की है, बुराई नहीं की, तो इसका बदला भी तुम्हें अच्छाई में मिलेगा, तो पीछे से पलटने की गलती मत करना। मैं ये समझ चुका था कि वो कुछ जिन हैं, वो कुछ जिन्नात हैं, जो चीज़ मेरे सामने आई है। भाई जब घर आए तो उनको बहुत ज़्यादा फीवर हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे और उनको, उनका डर का ये आलम था कि वो कहते थे कि मैंने अब बाहर जाना ही नहीं है, मेरी हिम्मत ही नहीं है बाहर जाने की। उनके साथ कुछ ऐसा वाक्या पेश आया था। तो फिर उसके बाद मेरे भाई की तबीयत कुछ संभली तो वो बाहर जाने के काबिल हुए, लेकिन वो आज तक नहर वाली साइड पर नहीं गए, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती वो नहर वाली साइड पर जाएं। ये एक छोटी सी स्टोरी थी उम्मे कुलसूम की, जो उन्होंने सरगोधा से शेयर की। बहुत शुक्रिया उम्मे कुलसूम अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगती हैं, अपना फ़ीडबैक, जो लोग सुन रहे हैं वो अपना फ़ीडबैक भी दिया करें, जितने लोग स्टोरी को सुनते हैं आप स्टोरी को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो लिसनर्स, आप जिन्होंने अभी तक अपनी स्टोरीज़ को मेरे साथ शेयर नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं, और जो ईमेल आईडी पे स्टोरीज़ को शेयर नहीं कर सकते वो कमेंट बॉक्स में भी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने वालदैन का बहुत ख्याल रखा करें, इनसे बहुत मोहब्बत किया करें और इनसे दुआएँ लिया करें। अपने वालदैन के साथ सबके वालदैन की ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी की दुआ मांगा करें। अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदरुस्ती अता करे, और ये जो नेमत है ये हम सब के ऊपर हमेशा सलामत और कायम रहे, आमीन। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए, आई होप आप इस पे ज़रूर अमल करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए, मुझे और मेरे वालदैन को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप भी अपना और अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।